सीतामढ़ी जिला के रून्नी सैदपुर प्रखंड क्षेत्र के अंदर बाढ़ ने इस कदर तबाही मचाया, उस तबाही के बाद का ये मंजर है। सीतामढ़ी जिला के रून्नी सैदपुर प्रखंड क्षेत्र के अंदर बाढ़ ने जो तबाही मचाया था उसके बाद का ये मंजर है। बाढ़ जिधर से गुजरा तबाही के निशान छोड़ता चला गया, और जिधर से भी गया वो जख्मों के निशान छोड़ता चला गया, और जख्म भी ऐसे दिए कि मरहम भी काम न कर पाए। इधर की तस्वीर आप देख लीजिए, जो बाढ़ से घिरे हुए लोग हैं तकरीबन 4 से 5 दिन तक पूरी तरह से, जो इन लोगों का आवागमन था वो पूरी तरह से बाधित हो चुका हुआ था, पूरी तरह से बंद हो चुका हुआ था। जैसे जैसे रास्ता खुल रहा है, मैं भी वहां से लाइव तस्वीर और एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखाता हुआ आ रहा हूं। मैं जो तबाही के निशान है उसकी पूरी तस्वीर आपको हम दिखाएंगे, लेकिन जो इन लोगों की शिकायत भी है एक कि अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई भी मदद नहीं पहुंचाया गया है। लगभग जो इस इलाके का निचला एरिया है वो पूरी तरह से पानी में बर्बाद हो चुका हुआ है। कितने लोगों का घर पूरी तरह से चौपट हो गया है, कितने लोग घर से बेघर हो गए हुए हैं, लोग ऊंचे स्थानों पर शरण लिए हुए हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से अभी तक कुछ भी इन लोगों को नसीब नहीं हुआ है। बता रहे थे कि आधा किलो चूड़ा तक नसीब नहीं हुआ। कुछ लोग जो है वो चारों तरफ से पानी में घिरे हुए थे, दो दो दिन तक भूखे प्यासे थे। हैंडपम्प वो भी पानी के अंदर डूब चुका हुआ था, घर में रखा हुआ सामान वो भी बर्बाद, खेत में लगा हुआ पका फसल वो भी बर्बाद, बेजुबान जानवर का जो चारा था वो भी खत्म, जो घर में रखा हुआ भूस था वो भी खत्म। कुल मिलाकर करके जो बाढ़ ने तबाही मचाई है उसके बाद का ये मंजर है। हम जैसे ही यहाँ पहुँचे हैं लोगों ने चारों तरफ से घेर लिया। उन्होंने कहा कि सर अभी तक प्रशासन की निगाह यहाँ तक नहीं पहुँची है, और हमारी खबर आप प्रशासन तक पहुँचाएं ताकि हम लोगों को कुछ मदद मिल सके। जो ऊंचा स्थान है वहाँ पे तो हेलीकॉप्टर से भी राशन गिराया गया था, और जो बांध का एरिया है वहाँ कम्युनिटी किचन चला कर के लोगों तक खाना पहुँचाया जा रहा है, लेकिन हम लोगों तक अभी कुछ भी नहीं पहुंचा है। तो यहाँ स्थानीय कुछ लोग हैं, उन लोगों से हम बात कर रहे हैं कि आखिर उन लोगों को क्या क्या परेशानी हो रही है। तो चलते हैं उन लोगों से जानते हैं। अब बिमल सा, कौन सा पंचायत है ये? तिलक ताजपुर 15 वार्ड। तो आपके ही पंचायत में ना बांध टूटा था? हाँ, हमारी बांध सामने टूटा हुआ है तिलक ताजपुर में। अच्छा। हाँ, सामने में टूटा हुआ है तिलक ताजपुर में। अब यहाँ कुछ नहीं आया, 15 वार्ड में सब भूखे मर रहा है रोड पर। आप क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि हमारा 15 वार्ड तिलक ताजपुर है, गए के पूरा आदमी के बह गया है सामान वामान। तो आप किसी 15 वार्ड में ही पानी आया है कि पूरे पंचायत में? 15 वार्ड पूरा पंचायत में आया हुआ है, पूरा बह गया हुआ है, कितना सामान ही बह गया है इस पंचायत में। अभी कुछ प्रभावित नहीं, कोई नेता भी आया है, आया भाई आया भी था, सोचना दे के चले गए। पब्लिक के कुछ नहीं दिए, भूखे प्यासे पूरे रोड पूरा भरा था पब्लिक से 2 दिन तक ले, और उसके बाद अभी कोई नहीं आया नेता से लेके, प्रभावित ले पुलिस प्रशासन कोई नहीं आया हुआ है। रास्ता रा, रा, हाँ, क्या कह रही हैं? छो नहीं है, 14 वार्ड ने हमरा से कितना खाए के लिए। अच्छा। हम सब पल्ली डा के जल मोहित के लेकर ऊपर बैठल छी की कहाँ छत पर रह रही? हाँ हाँ, आप कुछ आज 4 दिन से हम सब बासी है मुहे बैठल छी। खूब हेलीकॉप्टर घूम रहा था इधर, तो कुछ भी नहीं गिरा ना? कुछ ना, कुछ ना, इतना सहित ना हमरा से कहते ते पाक ने बैठल छी की हम सब। अरे एक आदमी एक बोल, हाँ हाँ, खाए के लिए ये दाम हमरा से के बिगड़ता हो गए, कुछ नहीं भोजन मिलता है ना अथी मिलता है। सुन कनाहा सब बउआ सहारा करू हमरा से। आप क्या कहेंगे? हाँ सर, हम यही कहना चाहते हैं सर, ये 14 वार्ड से लेके यानी तिलतापुर जेना अपन पंचायत है उसमें सीधे सामने सरपंच साहब के सामने बांध टूटा हुआ है, सब रोड के शरण धरे हुए हैं, और कोई व्यवस्था खाने के लिए नहीं है, भूखे सब मर रहा है। हेलीकॉप्टर 3 बेर नीचे किया मगर कुछ नहीं गिरा। अच्छा। आपको नूनोरा पंचायत में, खड़हुआ पंचायत में मिला है बांध पर, आपको मिला है मगर इस जन कुछ नहीं है, वो दाना भी चूरा तक के नहीं मिला। अच्छा। जी क्या मांग करना चाहेंगे? मांग करना चाहते हैं हम लोग यही कि जो हम लोग के कले पंगा जी आए हुए थे, अपने विधायक जी आए हुए थे, उनको हम यही कहें कि जो हम बांट के जो देते हैं उस सभी तो खा जाता है,
मिलता नहीं है, तो इसके कारण है कि हम आप लोग के 7000 रुपया जो है वितरण हम घर पीछे सबको करेंगे। अच्छा जी, यानी कि बाढ़ प्रभावित घोषित करेंगे जी। जी आप क्या कहेंगे, वार्ड सदस्य हैं यहाँ के, आप क्या मिला है यहाँ कुछ बताएंगे? मैं रविंद्र कुमार। आप नाम नहीं बताइए, ये बताइए कि जो है ना क्या मिला है यहाँ? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं। किसी भी जनप्रतिनिधि के तरफ से यहाँ एक भी सामग्री नहीं मिल पाया है। और सबसे बड़ी चीज़ है ये बाढ़ इलाका है, देख लीजिए बांध टूटने के बाद में सारा लोगों को जो है जल जमाव के कारण या बाढ़ के प्रेशर के कारण सबका अनाज जो है खत्म हो गया, सड़ गया, गल गया। मवेशी के खाने के लिए नहीं है, आदमी के खाने के लिए नहीं है, और रहने के लिए भी नहीं है। और यहाँ किसी भी जनप्रतिनिधि, पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद, जिला परिषद कुछ जनप्रतिनिधि में तो खैर आप ही आते हैं, प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था हुआ कि नहीं? किसी भी न जनप्रतिनिधि से और न प्रशासनिक से कोई उपाय मिला, कोई सहायता कोई सहायता नहीं मिला। और जल 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 जमाव में लोग फंसा हुआ है, तरह तरह का बीमारी भी हो रहा है। इस पंचायत में कितना गांव होगा? इस पंचायत में एक ही गांव है, एक ही गांव, एक ही गांव का पंचायत, बहुत बड़ा गांव। अच्छा, जिला ताजपुरी है। और जगह बताया है, यहां पे नहीं मिल पाया जी? नहीं, और जगह यहां 14-15 इस पार में, पंचायत के इस पार में कहीं भी वितरण नहीं हुआ है जी प्रशासन की तरफ से। सीएम है, जीविका में काम करते हैं। और ये जो वार्ड है, जो अति पिछली वार्ड है, यहाँ पर गरीबी बहुत है। और बाढ़ आने के कारण जितना भी जो गरीब महिला दूसरे को खेत काट के जो थोड़ा बहुत अनाज रखे हुए थे, वो टोटल के टोटल दह गया है। किसी के पास खाने के लिए भी दाना नहीं है। तो हम लोग से यही अति है, वैसे है कि जो हमको सरकार मदद करे, और गरीब महिला को जो एक वस्त्र नहीं है पहनने के लिए, किसी को दवा खाने के लिए 5 रुपया नहीं है, वो कहाँ से अपना पूर्ति करेगा सर? तो सरकार हम गरीब महिला को अपना हेल्प करे और राशन पानी जो है वो दे। आप सीएम हैं जी, जीविका जी, की जी। वो जो आप लोगों का किस्त उस्त होता है अभी नहीं ना ले रही है? नहीं ले रहा है, अभी नहीं ले रहा है। कहाँ से देगा महिला? महिला को मेरा 14-15 में मेरा समूह चल रहा है, 14-15 दोनों दह गया है, और दोनों समूह, दोनों 14 और 15 दोनों अति पिछली है। तस्वीर इधर की आप देख लीजिए, अति पिछली है। ये आप देख सकते हैं, जैसे ही पता चला है कि कोई न्यूज रिपोर्टर यहाँ पे आए हुए हैं, लोगों का जो भीड़ है वो इकट्ठा होना शुरू हो गया। मैं अपने दर्शकों को जानकारी के लिए बता दूं कि लगातार जो है, जो इन लोगों का इल्ज़ाम है कि न तो प्रशासन की तरफ से, न जनप्रतिनिधि की तरफ से कोई भी सहायता मिल पाया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो इधर का जो एरिया है, वो एरिया के तमाम जगहों पर पानी का बहाव तेज था, और थोड़ी सी राहत ये मिली है कि पानी कम हो गया हुआ है, लेकिन जो अभी भी निचला एरिया है या खेत खलियान है, उसके अंदर अभी भी पानी भरा पड़ा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो बेजुबान जानवर, जो माल मवेशी है, उसके चरने की पूरी जगह पे पानी भरा पड़ा हुआ है। घर में जो भूस था या खाने पीने का सामान था मवेशियों का, वो भी पूरी तरह से बाढ़ में बह गया। जिन लोगों का निचले एरिए में घर था, वो घर पूरी तरह से बर्बाद हो गया, चौपट हो गया, कितनों का घर गिर गया। मैं आपको अपने दर्शकों को बता दूं कि आपको बहुत अच्छी तरह से पता होगा कि रून्नीसैदपुर प्रखंड क्षेत्र के तिलक ताजपुर के अंदर बागमती का बांध टूटा था, और उसके अंदर जो यहाँ के स्थानीय सरपंच है राकेश कुमार, उनका 2 मंजिला मकान था जो ईंट कंक्रीट से बना हुआ था, उसका नामो निशान मिट गया। और ठीक उसी बांध जो टूटा है उसके सामने ये पूरा मोहल्ला बसता है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन लोगों पे क्या बीती हो गई। 1 मिनट संभलने का मौका तक नहीं मिला, और घर में रखा हुआ जो भी जमा पूंजी थी वो पूरी तरह से बाढ़ ने अपने आगोश में ले लिया और पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। लहलहाता जो फसल था, धान का फसल तैयार हो चुका हुआ था, और उस फसल को बाढ़ ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। तो कुल मिलाकर करके जो बागमती नदी का जो बांध टूटा, वो इधर के लोगों को इतने जख्मों के निशान दे गया कि शायद मरहम भी कम पड़ जाए। और मैं अपने दर्शकों को और बता दूं कि लगातार जो है, जो जिला प्रशासन वो अलग अलग जगहों पे कम्युनिटी किचन या राहत सामग्री जो होती है वो बांटने का काम कर रही है, लेकिन शायद इधर अभी तक उनकी निगाह नहीं पहुंची है। बता रहे हैं कि 2 दिन पहले ही इस एरिया का रास्ता खुल चुका हुआ है, लेकिन अभी तक
सर छुपाने के लिए एक पॉलोथीन नसीब नहीं हुआ हम लोगों को, तो लगातार इन लोग जो है वो डबडबी निगाह से और टकटकी निगाह से प्रशासन और सरकार की तरफ देख रहे हैं कि शायद जो हम लोगों का जो घर का सामान तो चला ही गया, जो खेत और खलियान में जो मेरा फसल था वो तो चला ही गया, कम से कम सरकार और जिला प्रशासन की तरफ से कुछ तो राहत मिले। लेकिन इन लोगों की जो शिकायत है कि अभी तक हम लोगों को आधा किलो चूड़ा तक या मिठा तक नसीब नहीं हुआ, तो फिर आगे की तस्वीर अलग जगहों से हम दिखाएंगे। फिलहाल हम लेते हैं आपसे यहीं पे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।